जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार एसएससी, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, पैट, इन सब के लिए आपकी ये क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है, पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, जो कुछ भी नया आपको यहां मिले उसे लिख लीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको एग्जाम के समय पर ना हो, इससे बचने का एक ही उपाय है आपके पास, और वो है ये कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बेहतर तरीके से लिख सके और इन्हें अपने एग्जाम तक लेकर जा सके। कोई किसी को दिक्कत है आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, फालतू के कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो वो चीज का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या, परेशानी, दुविधा जैसा कुछ है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, माही, कृष्ण, आरोही, शिवांगी, रेखित, अरुण, अभय, रूहू, रोहिणी, पूर्वी, राहुल, अभिषेक, ठीक है, प्रदीप, मेनका, राहुल, लड़के बड़के नहीं है क्या आज, तभी तुम पीछे हो आजकल, आकाश बेहरा, ठीक, तान्या, मिथुन, बिमलेश, ठीक है, संजय, पाल, धर्मेंद्र, प्रदीप, तरुण, अक्की, रियाजुद्दीन, ठीक, संजय, बहुत अच्छे, अमरेश, ये बात, हाँ, ओम प्रकाश, चलो ठीक, नीतीश, सूरज, ठीक, मिथुन, चलिए बहुत अच्छे। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस एक धर्म से संबंधित है। चार महान जो सत्य हैं उनकी अवधारणा इन चारों ऑप्शंस में से किस एक धर्म से संबंधित है वो आपसे पूछ रहा है। जैन धर्म, सिख, हिंदू या बौद्ध। द कंसेप्ट ऑफ फोर नोबल ट्रुथ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म किस एक से संबंधित है। याद रखिएगा, इनको कहा जाता है आपका चार आर्य सत्य। साथ में याद रखिएगा, और एक अष्टांगिक मार्ग। ये इसी एक धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, जिस धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि बौद्ध धर्म, तो ये याद रखिएगा। आगे, आपका प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, अहिच्छत्र और चंपा। फिल इन द ब्लैंक, बाजन, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ऑफ इंडियन, सॉरी, ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया का इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो आपको बताना है।
लड़के चलो बहुत अच्छे। राजन, श्याम, आसिफ, सनी, ठीक, लल्ला, ठीक, स्वीटी, आकाश, रोहिणी, डी ऑप्शन सही है ना। बौद्ध धर्म में ही तो है, अष्टांगिक मार्ग की बात उसमें की गई है। साथ में अगर बात की जाए आपकी तो जो चार आर्य सत्य जैसे दुख है ना, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग है। ये जो चार चीजें हैं, ये जो चार आर्य सत्य हैं, ये बौद्ध धर्म से तो संबंधित है। देखो महात्मा बुद्ध और मीराबाई, इन दोनों के विचारों में अगर देखा जाए तो कौन सी चीज कॉमन है, वो यही है। दोनों मानते हैं कि जो संसार है वो दुख का कारण है ना। संसार में क्या है, संसार में दुख है। और दुख क्यों है, दुख है आपकी इच्छाओं को लेकर। वो ऐसे कहते थे जैसे आप चाहते हो कि आपको ये मिल जाए, ना मिले दुख होगा, क्यों, क्योंकि आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है ना, तो दुख होगा ही नहीं, ऐसा उनका कहना था। दोनों की जो अवधारणा है वो यही है। आगे, इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, तो याद रखिएगा इनमें से जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है वो है ताम्रलिप्त। ये वर्तमान में देखा जाए तो कहां पर है, एक राज्य है जिसका जिला है मिदनापुर। मिदनापुर जिला कहां पर है, ये है वेस्ट बंगाल में। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। यहां पर है आपका ताम्रलिप्ति। किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा रूप नारायण नदी। किस नदी के किनारे है, रूप नारायण नदी। प्राचीन भारत का ये एक बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। ठीक, याद रखोगे, किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी जैसा कुछ है तो बताओ, है ना। लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था। चंद्रपाल, आनंदपाल, जयपाल, सुखपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर बाय डिफीटेड बाय महमूद ऑफ गजनी इन हिज फर्स्ट इन्वेजन इन द ईयर 1000 AD। किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको बताना, बताओ जरा। कुलदीप, शिवा, बहुत अच्छे। हाय राम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि जयपाल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जयपाल। तो ये याद रखिएगा, जयपाल के बारे में जो एक चीज याद रखनी है वो ये कि जो जयपाल है इसको जब हराया था, इसके बाद इसके पुत्र आनंदपाल ने बदला लेने की कोशिश की थी, साथ में वो भी बाद में हार गया था, ये याद रखना। अगर बात की जाए आपके महमूद गजनी की, तो महमूद गजनी के बारे में याद रखिएगा, जो महमूद गजनी है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। अंतिम आक्रमण इसने सोमनाथ पर किया था और सोमनाथ को लूटा था। जब इसने सोमनाथ को लूटा था उस समय गुजरात में सोलंकी शासक थे, और सोलंकी शासक में जो उस समय शासक था वो था भीम प्रथम। उसके लूट के ले जाने के बाद भीम प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, ये याद रखना। ठीक है, ठीक, किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ सही है। आगे चलते, साईबाई से शिवाजी को हुए बेटे का नाम था संभाजी, बाजीराव, शाहजी या साहू। द नेम ऑफ द सन ऑफ साईबाई टू शिवाजी बाज, है ना। शिवाजी महाराज को साईबाई से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था। शिवाजी महाराज के बाद सबसे पहले इन्हीं को जो है गद्दी दी गई थी, फिर इसके बाद जब इनकी जो है इनको घेर के जब मार दिया गया युद्ध में, उसके बाद इनके भाई को जो है गद्दी मिली थी। ठीक है, आगे चल के इनके भाई और इनके पुत्र, यानी क्या ये से कहो कि इनके भाई की पत्नी और इनके पुत्र, इन दोनों के बीच में मराठा शक्ति को हासिल करने के लिए गृह युद्ध हुआ था। किसके बीच में, छत्रपति क्या नाम था, छत्रपति साहू और ताराबाई के बीच में। ठीक है, ताराबाई जो है वो राजा राम की पत्नी थी। किसकी, राजा राम। और राजा राम कौन थे, राजा राम शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। एक थे संभाजी और दूसरे कौन थे, दूसरे थे राजा राम। ठीक है, एक थे संभाजी और दूसरे कौन थे, दूसरे थे राजा राम। तो ये याद रखना, याद रखोगे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी जैसा कुछ नहीं है ना। आगे देखते क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा है। विष्णु शरण दुबलीस, सचिंद्र नाथ बख्शी, मन्मथ नाथ गुप्ता और अर्थेंद्र दुस्तीदार। हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन वाज एसोसिएटेड विद द चिटगोंग आर्मरी रेड।
चटगांव शस्त्रागार जो है इससे कौन संबंधित है वो आपको बताना। अच्छा, जयपाल के बारे में बताओगे कि किस वंश से था? सॉल्ट किधर से, कहां सॉल्ट दिखाई दे रहा तुमको यहां? हाँ, हद हो गई है। ठीक, बंदरगाह किसे कहते हैं? पोर्ट को बंदरगाह नहीं समझते? पोर्ट बंदरगाह, पोर्ट उन्हीं को तो बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, आर्धेंदु दस्तीदार। कौन? आर्धेंदु दस्तीदार, ये याद रखिएगा। चटगांव जो शस्त्रागार है, ये इस पर जो छापा मारा था या इसको लूटा था, वो कब लूटा था? 1930 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका नेतृत्व जो है यह किया था सूर्यसेन ने। किसने किया था? यह किया था सूर्यसेन ने। और जो सूर्यसेन है, इनको कहा जाता है मास्टर द। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मास्टर द, यह याद रखिएगा। ठीक, अगला देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है इनमें से जो नागरिकता से संबंधित है, यह पूछ रहा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 6, 3, 2 या 5? एक काम करो, इन चारों के बारे में बताओ, जो भाग हैं, जो चार भाग यहां लिखे हैं, इन चार भाग में क्या क्या है वो आपको बताना। अरे अरे, बुरा हुआ है ना, सुन के बहुत ज्यादा दुख हुआ। चलो, अब क्लास पर ध्यान दे लो। चलो, भाग 6, 3, 2 और 1। Which part of the Constitution of India is related to citizenship? इनमें से citizenship से कौन सा एक संबंधित है वो बताना। बताओ जरा कौन सा एक संबंधित है। ठीक है, ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे। सिटीजनशिप नागरिकता किसमें? यह है भाग 2 में, आर्टिकल 5 से 11 के बीच। ठीक है, 3 में क्या है? 3 में है आपके फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट आपका 12 से लेके 35 तक। भाग 5 में क्या है? इसमें है आपका यूनियन, जिसे हम बोलते हैं केंद्र। 6 में क्या है? 6 में है आपका स्टेट, जिसे हम बोलते हैं राज्य। 7 हटा दिया गया है, 7 में संविधान संशोधन द्वारा। 8 में है आपका क्या? 8 में है आपका यूटी। 9 में क्या है? 9 में है आपका ग्राम पंचायत, या सिर्फ मैं कहूं पंचायत। 9A में क्या है? तो इसमें है नगर पंचायत। 10 में SC ST के लिए प्रावधान है। ओह, क्या है? 10 में है आपका SC ST के लिए प्रावधान। 1 क्या है? भाग 1 में क्या है वो बताओ। आगे देखो, पूछ रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। 42, 24, 22 और 44। आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन यूनियन सिविल कोड। यूनियन सिविल कोड जो है ये किससे किस एक आर्टिकल में है वो बताना। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या चाहते हो, ढोल पिटवा दूं मैं तुम्हारी इस बात पर? क्या चाहते हो, है ना, अनाउंस करवा दूं, अखबार में निकलवा दूं, मतलब क्या चाहते हो, मैं क्या कर दूं उसके लिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्वेश्चन पर क्यों नहीं ध्यान देते तुम? ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि आर्टिकल 44। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 44, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी आर्टिकल 42 के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, काम की न्याय संगत, मतलब जहां आप काम करते हैं वहां पर न्याय संगत सुविधाएं या परिस्थितियां होनी चाहिए, जो कैसे कह सकते हैं, लिख देता हूं ना, न्याय, काम की न्याय संगत तथा मानवीय परिस्थितियां होनी चाहिए, और जो महिलाएं हैं
उनके लिए क्या है, उनके लिए मातृत्व राहत प्रदान करनी चाहिए, मातृत्व राहत प्रदान करना। यह किसमें है, यह आपके आर्टिकल 42 में है। किसमें, यह है आर्टिकल 42 में, यह याद रखिएगा। पढ़ाई करो बेटा, सही किया तुम्हारे साथ, अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दोगे थोड़ा सा। चलो आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है ना, इनमें से कौन सा रुको एक मिनट, इनमें से किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा है, इनमें से किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा है वो आपको बताना। आर्टिकल 44, 110, 133 और 93, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हैज बीन गिवन, मनी बिल की परिभाषा इनमें से किस में दी गई है वो आपको बताना है, बताओ। ठीक, उपाय चाहिए, गधे से दो लाते खा लो जाके, सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा, है ना, हो सकता है तुम्हारी बुद्धि भी ठिकाने पे आ जाए। ठीक, क्या हो जाएगा इसके लिए, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 110, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और जो आपको यहां याद रखनी है अनुच्छेद 110 को लेकर, वो ये कि जो अनुच्छेद 110 है इसमें धन विधेयक है, जो धन विधेयक है इसके बारे में, जैसे कि कोई विधेयक अगर लोकसभा में लेकर आया जाता है ना, वो धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय या अंतिम फैसला किसका होता है, इसका अंतिम निर्णय और अंतिम फैसला जो है ये किसका होता है, तो याद रखिएगा ये होता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का, किसका, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 44 है ये क्या है, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 44 है वो है कॉमन सिविल कोड। ठीक है, क्या है, कॉमन सिविल कोड। 33 में क्या है, 33 कहता है कि संसद जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती, चाहे वो सैन्य सेवा में हो, खुफिया सेवा में हो, या किसी और सरकारी गवर्नमेंट या सेवा में हो, अगर संसद को लगता है कि इनके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तो वो लगा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका आर्टिकल 93, इसमें क्या है, इसमें लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन दोनों के जो इनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है, इनकी नियुक्ति के बारे में बात की गई है, याद रखना। ऐसा ना कहो यार, सीधे हमारे राइटिंग पे ही सवाल उठा दिए तुमने, ठीक ठाक तो अंतिम, इससे अच्छा कोई लिख सकता है अंतिम? किससे कंपेयर कर रहा है, मुझे एक बार देखो तो, है ना, कभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखिए, हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान ही, इस बात में कोई डाउट नहीं है, है ना, तो वो जो लिखते हैं वो तो ऐसे करके लिख देते हैं ना कुछ कुछ, हाँ ये तो मैंने बड़ा अच्छा लिखा यार, हाथ धो गई है। आगे देखो, है ना, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है, 11th, 10th, 9th, 12th, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज, इनमें से कौन सी अनुसूची म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है, ये याद रखना। ठीक, बहुत अच्छे, बढ़िया। ठीक, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है, हाँ लड़के तो ये ब्लॉक ही करना पड़ा। देखो एक वार्निंग, अगर तुमने ये फालतू कमेंट करने बंद नहीं किया मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा, है ना, चॉइस इज योर्स। आगे, है ना, क्या हो जाएगा, अनुसूची इनमें से कौन सी अनुसूची है जो न्यायपालिका से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 12वीं, कौन सी, जो 12वीं अनुसूची है ये न्यायपालिका से संबंधित है, 11वीं जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है, 10वीं जो है ये दल बदल कानून से संबंधित है, किससे, दल बदल कानून से यह संबंधित है, 9वीं की मैं बात करूं तो यह भूमि सुधार से संबंधित है, किससे, भूमि सुधार से यह संबंधित है, यह याद रखना, किससे, भूमि सुधार से यह संबंधित है। मुझे यह बताओ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये जो अनुसूचियां हैं ये कब जोड़ी गई हैं,
ये जो अनुसूचियां हैं ये कब जोड़ी गई हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, किसकी, जब संविधान बना था उस मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी या उस समय जो अनुसूचियां थी इनकी संख्या थी 8। उस समय जो अनुसूचियां थी उनकी संख्या कितनी थी, ये थी 8, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेंटिड्स, अच्छा क्वाड्रेंटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी पर सामान्यता दिखाई देती है, कौन सा वह महीना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, दिसंबर, जनवरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स द मेट्योर सोअर कॉल्ड क्वाड्रेंटिड्स इज यूजली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हो जाएगा आपका दसवां। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है दसवां, कौन से मंथ में ये यूजली दिखाई देती है वो आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा। बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिसंबर और जनवरी। क्या हो जाएगा? दिसंबर और जनवरी, ठीक। चलो आगे देखो, आप पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए इनमें से कौन सा जीवाणु जो है वो जिम्मेदार है वो आपसे पूछ रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कैंपिलोबैक्टर बेसिलियस सेरेस और एस्चेरिचिया कॉलिक, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक, बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि जो पेप्टिक अल्सर है वो इनमें से किस एक के कारण होता है या कौन सा एक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है, तो यह है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो वो याद रखना, ठीक है। आगे, किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? इनमें से कौन सा एक है जिसके लिए एमएसपी की जगह पर उचित या मैं कहूं और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? फॉर विच क्रॉप इंस्टीड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फेयर एंड री कहा अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अनाउंस्ड, मतलब एमएसपी की जगह पर उचित और लाभकारी मूल्य इसकी घोषणा की जाती है, इनमें से कौन सा? हेलीकॉप्टर नहीं है वो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका 12, किस एक फसल के लिए ऐसा किया जाता है? किस एक फसल के लिए ऐसा किया जाता है वो पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि गन्ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको घोषित कौन करता है? एमएसपी जो है इसको घोषित कौन करता है वो पूछ रहा है, बताओ जरा कौन घोषित करता है? ठीक, सही है, हाँ बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा अगर मैं एमएसपी की बात करूं तो? कृषि लागत और मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग, यह इसको क्या करता है? घोषित करता है। किसको? एमएसपी को, ठीक है, किसको? एमएसपी को, तो यह याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जो राजकोषीय नीति है वो किसी देश की सरकार को किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है? इनमें से किसके प्रभाव को, किसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करती है राजकोषीय नीति? फिजिकल पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ, किसके फ्लो को जो है कंट्रोल करती है वो आपको बताना है, बहुत अच्छे,
बढ़िया, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, कर राजस्व। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि कर राजस्व, ये याद रखना। अच्छा, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? जो यूको बैंक है, इसकी टैगलाइन क्या है वो आपसे पूछ रहा है ना। जहां हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है, वफादार और मैत्रीपूर्ण, आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूको बैंक? जो यूको बैंक है उसकी टैगलाइन है क्या? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ब्लॉक करने का ऑप्शन है, पर मैं नहीं चाह रहा उसका नुकसान हो जाए। तो जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूं तब तक कर रहा हूं, जब मुझे लगेगा कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, है ना। चल कर, अच्छा बताओ जरा, यूको बैंक की टैगलाइन कहां है? जहां हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है, वफादार और मैत्रीपूर्ण, आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है वो आपको बताना है। ठीक, बहुत अच्छे, है ना। अगर मैं यूके बैंक की बात करूं, अरे बेटे तुम जाओ ही, अब तुम जाना ही चाह रहे हो तो मैं क्या ही बताऊं, बाय बाय। ठीक है, चलो चलो, इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर यूके बैंक की लाइन वो उसकी बात करूं टैगलाइन की, तो ये है आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। क्या? आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। जहां हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है उसके बारे में बात करूं तो यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है इसकी टैगलाइन है, यह याद रखना। ठीक है, जहां हर व्यक्ति क्या है? जहां हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति आसाम में हुई है? इनमें से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति कहां हुई है? जिसकी उत्पत्ति आसाम में हुई है वो आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक, क्या हो जाएगा? तो ये हुआ है, ये है आपका क्षत्रिय। उत्पत्ति आसाम में है, प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, प्रवर्तक हैं शंकरदेव। किस मत को मानते हैं ये? तो याद रखिएगा, वैष्णव मत को मानते हैं। किसको? वैष्णव मत जो है इसको ये मानते हैं, ये याद रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, गोटीपुआ जो है ये उड़ीसा का है। ठीक है, छऊ कहां का है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। जो छऊ है ये कहां का है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, सभी को। तो कमेंट में लिखकर बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका, कुर्ग के कोडवा समुदाय का फसल उत्सव है, इनमें से कौन सा एक है जो कुर्ग का एक समुदाय है जिसका नाम है क्या? कोडवा। उसका एक फसल नृत्य है, इनमें से कौन सा? मड़ाई, भगोरिया, थेयम, पुत्री। फिल इन द ब्लैंक्स इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द कोडवा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग बताओगे जरा कहां पर है, या ये जो जनजाति है ये कहां पर है ये बताओ। कुर्ग कहां पर है, या ये जो जनजाति है ये कहां पर है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, छऊ झारखंड का है, बहुत अच्छे, है ना, वो याद रखना। इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि पुत्री। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुत्री, ये याद रखिएगा। आगे पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? इनमें से कौन सा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है वो पूछ रहा है, बताओ जरा। इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग और विजय हजारे ट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिकेट टूर्नामेंट? इनमें से कौन सा एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है वो बताना। इनमें से कौन सा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना। इंडियन प्रीमियर लीग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग और विजय हजारे ट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिकेट टूर्नामेंट?
ठीक ठीक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन सुपर लीग, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। किससे है तो याद रखिएगा, ये संबंधित है फुटबॉल से, ये याद रखिएगा। आगे आप कोनेरू हम्पी का नाम किस खेल से जोड़ेंगे? एक खिलाड़ी है जिनका नाम है कोनेरू हम्पी, ये इनमें से किस एक खेल से संबंधित है वो आपको बताना है। आप बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, विद विच स्पोर्ट वुड यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी? जो कोनेरू हम्पी है वो इनमें से किस एक से संबंधित है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, बताओ जरा किससे संबंधित है। ठीक, तो हाँ पश्चिम बंगाल का भी है, वो बॉर्डर टच होता है ना उसका, तो उससे भी है वो। तो ठीक है, चलो ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो कोनेरू हम्पी है वो इनमें से किससे संबंधित है? शतरंज से। अच्छा, बास्केटबॉल के कुछ प्लेयर अगर आपको पता है तो मैं कुछ लिख दे रहा हूं। जैसे एक है अमजोत सिंह, कौन है? एक हो जाएंगे आपके अमजोत सिंह, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक याद रखिएगा सतनाम सिंह, ठीक। इसके अलावा याद रखिएगा खुशी राम, ये बास्केटबॉल के प्लेयर है, ठीक है। वॉलीबॉल की बात करूं तो एक याद रखिएगा जिम्मी जॉर्ज, कौन? एक नाम जो आपको याद रखना है वो है आपका जिम्मी जॉर्ज, और एक याद रखिएगा निर्मल, क्या? एक नाम आपको याद रखना है निर्मल, ये याद रखना है, ठीक है। मतलब निर्मल सैनी, सैनी है ना। निर्मल सैनी, ये दो याद रखिएगा। ये क्या है? ये वॉलीबॉल से है और ये बास्केटबॉल से, ठीक है। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा मनिका बत्रा, क्या नाम? एक नाम आपने सुना होगा मनिका बत्रा, क्या नाम? मनिका बत्रा। किससे हैं? टेबल टेनिस से हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक है हरमीत देसाई, कौन? हरमीत देसाई, एक ये नाम याद रखिएगा। ये दो नाम है जो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये दो नाम है किसके, मतलब प्लेयर्स के जो किससे संबंधित है, ये है आपके टेबल टेनिस से, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाते हैं? 12 जुलाई, 5 अगस्त, 28 जुलाई, 30 मई। When is the World Nature Conservation Eve celebrated? बताओ, कंजर्वेशन ईव जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत अच्छे, ठीक, बताओ जरा इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ, बढ़िया, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि 28 जुलाई, क्या हो जाएगा? 28 जुलाई। 12 जुलाई का याद रखिएगा, ये है विश्व मलाला दिवस, क्या है? विश्व मलाला दिवस, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं 30 मई की बात करूं तो ये है हिंदी पत्रकारिता दिवस, क्या है? हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक। तो इसे याद रखोगे, याद रखना, ज्यादा ठीक रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। आगे, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, भूटान। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड? अच्छा, इंडिया हॉकी फेडरेशन जो है, अगर मैं बात करूं इसकी, इंडिया हॉकी फेडरेशन की, तो इसका गठन कब हुआ है? साथ में आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ना, इसका गठन कब हुआ है, दोनों बताओ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको बताना है, ठीक।
ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्विट्जरलैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हाँ, इसकी मैं बात क्या कर रहा था, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ है 1924 में, और इसका गठन हुआ है आपका 1925 में, 1925 और 1924, 1924 और 1925, यही पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, है ना, गंगा की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है वो बताना। ठीक, हाँ अजीत, ठीक बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? पेन गंगा एक हो जाएगी आपकी, बेन गंगा, ये दोनों जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदी है। कमेंट में लिखकर बताओ, जो गोदावरी नदी है इस ये कहां से निकलती है, जो गोदावरी नदी है ये कहां से निकलती है वो आपको कमेंट में लिखना। गोदावरी नदी जो है ये कहां से निकलती है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना, बताओ जरा कहां से निकलती है। ठीक, क्या हो जाएगा? तो अच्छा, इससे तो हो ही गया आपका। याद रखिएगा, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, स्पेशल बैच है आपका बिहार पुलिस के लिए, सॉरी बिहार एसएससी के लिए, सिपाही बैच यूपी पुलिस के लिए, और राजधानी बैच दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, कोरिंगा एक सुंदर फिलिंदाब्लैंक जंगल है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है, सदाबहार शंकुधर मैंग्रोव पर्णपाती। कोरिंगा इज अ ब्यूटीफुल फिलिंदाब्लैंक फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी फ्लोस डाउन स्ट्रीम ऑफ द बे ऑफ बंगाल मीट इन बाट, मतलब कुल मिला के जो सागर है वहां पर जाकर यह मिलती है। पूछ रहा है कौन सा एक है, एक ने लिखा हमारे गांव से। अरे बालक, क्या बात, सच्ची में या मजाक कर दिया तुम हमारे साथ? तो सही में वहीं से निकलती है, जगह तो बता दो, तुम्हारे गांव से निकलती है तो जगह क्या है, उसका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। चलो ये ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखें। अच्छा, कोरिंगा जो है ये एक जंगल है किसका? मैंग्रोव का। किसका? ये एक जंगल है किसका? मैंग्रोव का। तो याद रखना किसका? मैंग्रोव का जंगल है वो। ठीक है, अच्छा, चांदी का आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है? जो चांदी है इसका आपेक्षिक घनत्व जो है ये कितना है वो पूछ रहा है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना है? बढ़िया, चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा, 9.5, 7.2, 10.4 और 10.8। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? सिल्वर की जो रिलेटिव डेंसिटी है ये कितनी है? ये है 10.8। क्या हो जाएगा? 10.8, ये याद रखिएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है, है ना, चमगादड़, बिल्ली, बाज, कुत्ते। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच इट्स प्रे? निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है इसका प्रयोग करता है, बताओ जरा। ये इवन गति करने के लिए भी उसका ही प्रयोग करता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का। ये बोलता है कभी ऐसा, तो बोलते टाइम जो है अल्ट्रा, मतलब सुनाई तो वैसे भी नहीं देगा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो है ये छोड़ता है। ठीक है,
अल्ट्रासोनिक ध्वनि के साथ क्या है, जब ये छोड़ता है तो जिससे टकरा के इसके पास वापस आती है, तो ना जब ये जैसे मान लो ये पेन रास्ते में, तो जब इससे टकराएगी ना तो इसके जिस हिस्से से टकराएगी उससे वापस आएगी, जैसे मान लो ये इस तरह से टकराई और वापस आएगी, तो उसे समझ में आ जाएगा कि कोई इस तरह की चीज, खड़ी सी चीज रास्ते में है, तो वो फिर उस साइड से होकर निकल जाएगा ऐसा, ठीक। हाँ, कौन है ये? तो ये हो जाएगा आपका चमगादड़। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चमगादड़, ये याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, अगला, सीधी सड़क पर चल रही एक कार उदाहरण है कौन सी गति का? आवधिक, वक्रीय, सरल रैखिक, यादृच्छिक। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मोशन। किस तरह की जो गति है उसका उदाहरण है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक, बढ़िया। मुझे नहीं मालूम, सच कहूं तो मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो जो काम मैं करूंगा वो तो तुम भी कर सकते हो, है ना। बंगाल में बदूर, अच्छा बदूर बोलते हैं क्या? हाँ, तो मेरे को आइडिया नहीं था, ये मेरे को नया पता चला आज, ठीक। बढ़िया, ठीक। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी, सरल रैखिक, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरल रैखिक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6, 8, 7 और 5। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है वो पूछ रहा है, बताओ। यशिका, ठीक, कीर्तिका, रोहित, संजय, चांदनी, बढ़िया। अमरीश, बिंद, ललिता, अजीत, वंदना, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि सेविन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेविन। किस धातु को पहले बोल फ्रॉम कहा जाता था? इनमें से कौन सी धातु है जिसको पहले क्या कहते थे? बोल फ्रॉम कहते थे जिसको, है ना। टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, जस्ता, रेडियम। विच मेटल वाज अर्लियली कॉल्ड बोल फ्रॉम? इनमें से कौन सा एक मेटल है जिसको पहले आपका बोल फ्रॉम कहा जाता था, ठीक, बताओ। ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि टंगस्टन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि टंगस्टन, ये याद रखिएगा। आगे, कार्बन के निम्न में से किस कार्यात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता? अल्कोहल, हेलोजन, एल्डिहाइड और कीटोन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा एक है जिसको, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं? अल्कोहल, हेलोजन, एल्डिहाइड और कीटोन। इनमें से कौन सा एक है जो ऑक्सीजन को क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता, कौन सा एक है? किस एक में जो है हैलोजन नहीं है, या इनमें से कौन सा एक है जो हैलोजन को क्या नहीं करता, हैलोजन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन को कंटेन नहीं करता? और ये हो जाएंगे हैलोजन्स। हैलोजन्स आवर्त सारणी में एक ग्रुप है जिनमें क्या क्या आते हैं, जिनमें आता है फ्लोरीन, जिनमें आता है क्लोरीन, जिनमें आता है ब्रोमीन, जिनमें आता है आयोडीन, जिनमें आता है एस्टेटीन। क्या आता है? एस्टेटीन। ये हैं हैलोजन्स आवर्त सारणी में, इन्हें हैलोजन्स कहा जाता है, ठीक है। बाकी चाहे कीटोन हो, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, है ना, या चाहे आपका एल्कोहल हो, इन सब में ऑक्सीजन है, तो ये याद रखना। क्या है? इन सब में ऑक्सीजन होता है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है ना। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटाकुला यूपार्टिया, पावो क्रिस्टेटस, यूडा यनेमिस स्कोलोपेसियस, मोलपेस्ट केफिर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक? पीकॉक का साइंटिफिक नाम इनमें से क्या है वो पूछा। ठीक बढ़िया। क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा, जो मयूर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? ये है पावो क्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेटस। तो ये याद रखना। ठीक, आगे। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है? कैल्शियम, सोडियम क्लोरीन, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट? पूछ रहा है पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व है जो प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम, सोडियम क्लोरीन, नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट? क्वेश्चन है आपका 30। बताओ जरा इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इनमें से पौधों को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक इनमें से क्या है वो है नाइट्रोजन। क्या है वो? हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है ये याद रखिएगा, ताकि जो पौधे हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। ठीक है, होय सालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द होय सालेश्वर टेम्पल लोकेटेड? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, होयसालेश्वर जो मंदिर है वो इनमें से कहां पर है? याद रखिएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में ही जगह है एक हम्पी। क्या है? कर्नाटक में ही एक जगह है आपकी, क्या? एक जगह है आपकी हम्पी। और याद रखिएगा जो हम्पी है, कौन सी जो जगह हम्पी है, वो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य, प्राचीन जो विजयनगर साम्राज्य है वो है। ठीक है, जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य है वो आज क्या हम्पी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष फिल्म द ब्लैंक से कलाकारों को प्रदान किया जाता है? बस इतना पूछ रहा है, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है? 1950, 61, 52, 59। द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू द परफॉर्मिंग आर्ट इज गिवन टू आर्टिस्ट फ्रॉम द ईयर, कब से ये दिया जा रहा है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है ये 1952 से दिया जा रहा है। कब से? 1952 से यह दिया जा रहा है, यह याद रखना। सौम्या, सुभिपाल, राज गेमर, नीलम, अमरीश, स्वांगता। अगला, आर्द्रभूमि पर हुए सम्मेलन रामसर सम्मेलन को भारत में किस वर्ष प्रभावी किया गया था? 1984, 78, 82, 91। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड रामसर कन्वेंशन वाज मेड इफेक्टिव इन द
इन इंडिया इन विच ईयर, किस वर्ष से ये किया जा रहा है वो पूछ रहा है, कौन सा वर्ष है जब से इसे भारत पर भी लागू किया गया, ठीक, कौन सा वर्ष है जब से भारत पर भी इसे लागू किया गया है वो पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है सचिन, ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1982, कब से 1982 से, भारत भी रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था 1982 में, रामसर कन्वेंशन हुआ है 1972 में रामसर पर, ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं उनके सही यूज को लेकर जो है इसे बनाया गया है, ये याद रखना, ठीक। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा शुरू किया गया, इनमें से पीएम आशा जो है ये कब से शुरू किया गया है वो पूछ रहा था, बताओ पीएम आशा जो है ये कब से शुरू किया गया है, 2016, 2015, 2018, 2017 इन विच ईयर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताओ जरा क्या हो जाएगा, ठीक। असलम, किस वर्ष से जो पीएम आशा है ये स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है आपका 2018 से, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, सिंह, घोड़ा, बाघ और हाथी, विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का, या फिर बताऊं मैं अगर ये कहूं कि नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा है, सिंह, घोड़ा, बाघ या हाथी, बताओ। सौम्या, अंजू, निंजा, नेहा चौधरी, मोहन, शिवांगी भारती, पुतुक, साधना, गोलू, ठीक, नीलू, बढ़िया, राजेंद्र, ठीक, क्या हो जाएगा इसके लिए, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका हाथी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाथी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका जी का मान क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जो जी है इसका मान है क्या, 5.2, 9.8, 7.8, 6.7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जो जी है, जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वैल्यू कितनी है वो आपसे पूछ रहा है, बताओ जरा क्या हो जाएगा। धीरज, वंदना, सलोनी, शिव, दीपक, अच्छा अजय, ठीक है, क्या हो जाएगा इसके लिए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 9.8। फ्रिंदाब्लेम्स का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है, इनमें से जो जो व्यक्ति है उसकी आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, वो जाएगा आपका टोनोमीटर, मैकमीटर, ओडोमीटर, विस्कोमीटर। फ्रिंदाब्लेम्स इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इनसाइड अ पर्सन्स आई, किसी व्यक्ति के आंख के अंदर को दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक है। गायत्री, बढ़िया, राजकुमार, ठीक है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो पाएगा बच्चे, सॉरी, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए यानी टेनोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर जो है ये क्या है ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन है विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, इन धातुओं में से सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है वो पूछ रहा है। नहीं, नहीं कर सकते,
ठीक है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सोना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सोना, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें सीसा एक घटक है, अल्निको, सोल्डर, निकेल और कॉन्स्टेटन। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एलॉय इन विच लीड इज अ कंपोनेंट। पूछ रहा है इनमें से उस मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें सीसा यानी कि लेड जो है वो एक कंपोनेंट है, अल्निको, सोल्डर, निकेल और कॉन्स्टेटन। बताओ जरा इनमें से कौन सा एक है जिसका एक घटक है सीसा, पीबी या मैं कहूं लेड। ठीक, बताओ जरा किस एक का घटक है। सही, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सोल्डर। क्या हो जाएगा? सोल्डर। किस किसका मिश्र धातु है सोल्डर, जरा बताओगे? सोल्डर किस किसका मिश्र धातु है वो बताना। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट सोल्यूबल। बताओ जरा। बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? तो निम्न किस तत्व में लवण सबसे अधिक घुलनशील है? तो याद रखिएगा जो लवण है वो सोडियम में सबसे अधिक घुलनशील है। किसमें? सोडियम में। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन हृदय का एक कपाट नहीं है, इनमें से कौन सा एक हृदय का कपाट नहीं है, माइट्रल, महाधमनी, त्रिक, पर्दि और सेप्टम। इनमें से कौन सा एक हृदय का कपाट नहीं है, इनमें से कौन सा हृदय का एक कपाट नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हृदय का कौन सा एक कपाट इनमें से नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी यानी कि सेप्टम। क्या नहीं है? सेप्टम नहीं है। ठीक, आगे। लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है, जो लाल शैवाल है उसमें जो कायिक जनन है ये होता कैसे है? विखंडन से, बीजाणु निर्माण से, काटने से, खंडन से। हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन रेड एल्गाई, जो रेड एल्गाई है उसमें जो रिप्रोडक्शन है वो होता कैसे है वो पूछ रहा है। बताओ जरा कैसे होता है। ठीक, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाल शैवाल में कायिक जनन तो ये होता है किससे? ये होता है खंडन से। किससे? खंडन से। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की अच्छा इनमें से कौन सी गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देता है? हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इनमें से कौन सी गैस है जिसके संपर्क में अगर आप रहते हैं तो आप घुटन से मर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो ब्लड है उसकी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन ले जाने की, उस क्षमता को समाप्त कर देता है ये। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है उसको खत्म कर देती है ये गैस। किस गैस के बारे में बात कर रहा है? ठीक, बढ़िया। बढ़िया, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, पोवाड़ा नृत्य फ्लिंदावलेंस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, जो पोवाड़ा नृत्य है इनमें से किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है वो पूछ रहा है। ठीक है, अब वो एक एलगाई के कारण होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। पोवाड़ा डांस इज अ परफॉर्मेंस आर्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट का है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक,
बढ़िया, पोवारा नृत्य जो है ये किसकी एक है, तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र। आगे उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के वृंदावन निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है, इनमें से किस एक अवतार को समर्पित है जो उड़ीसा में धनु यात्रा निकलती है, वो आधा धनु यात्रा बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अवतार्स ऑफ विष्णु, किस अवतार को समर्पित है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए टाइम चेंज होना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ मेरा ही एक टाइम नहीं है, और सच बताऊं तो मेरा टाइम यही सुटेबल है पहली बात। दूसरी बात यह है कि बाकी अगर मैं अपना टाइम चेंज करूंगा तो बाकियों का भी टाइम चेंज होगा ना, तो कई बच्चों का डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करना चाह रहा। और सच बताऊं तो मैं इस टाइम पर बड़ा कंफर्टेबल हूं, तो मैं इस वजह से भी इसे चेंज नहीं करना चाह रहा। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण। किससे संबंधित है, ये है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिए। याद रखिएगा एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, सर्वर फैकल्टी और डाउट सेशन आपको मिलेंगे। 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल बैच है बिहार एसएससी के लिए, सिपाही बैच है यूपी पुलिस के लिए, राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो ये क्लास को जो है आपको जरूर शेयर करना है और इस क्लास के साथ जुड़ना है। कुछ लिंक हैं, जैसे ये है आपका ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधा है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसको भी आपको शेयर करना है ना, और पेन पेपर लेकर बैठना है, जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लेना है, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो, ठीक। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं इस समय आपकी, और एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।